अखिल भारती भ्रिष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति ते विकास ह्यूमन राइट मिशन दे राष्ट्रीय सालाना उत्सव अधिवेशन 17 सितंबर 2020 नू शानदार लातूर महाराष्ट्र विच होया। राष्ट्रीय पद्धर दा गूगल मीट तो ऑनलाइन मीटिंग राही संपन्न होया। ऑनलाइन वर्कर सम्मान समारोह विच पंजाब प्रदेश नेता तेज प्रकाश खासा, प्रदेश प्रधान रजिंदर कौर, प्रदेश उप प्रधान मनमोहन सिंह गुलाटी, डॉक्टर सुपिंदर सिंह ढिल्लों, ठेकेदार गुरबचन सिंह अते मोहित कुमार नू उन्हां दे करोना काल विच कीते गए कम्मां दे लई प्रशंसा पत्र दे के सन्मानित कीता गया। इस मौके राष्ट्रीय प्रधान प्रदीप पाटिल ने सारिआं नू आशीर्वाद दिंदे होए आत्म निर्भर हो के चंगे काम करन लई प्रेरित कीता। डॉक्टर कविता ने पिछले 10 साल दीआं उपलब्धियां बारे सारिआं नू दस्सिआ अते अगे तो जोश नाल काम करदे होए टीम दा होर विस्तार करन नू कहा। इस मौके मनमोहन गुलाटी दी अगवाई विच विशेष मीटिंग करके पंजाब टीम नू सन्मान पत्र दिते गए। नवां शहर तो पत्रकार मनदीप दुग्गल अते अशोक दुग्गल दी रिपोर्ट। ऑल इंडिया एंटी करप्शन ब्यूरो साड़ी संस्था जी संस्था का नाँ है, असी उन्हां नाल जुड़े हुए हैं। मैं तकरीबन 2 साल तो इस संस्था नाल जुड़िया, तो साढ़े खासा जी हैगे पंजाब दे प्रधान, ये भी 3-4 साल तो इस संस्था नाल जुड़े हुए हैं। इन्हां दे नाल ही सानू इत्थे इस संस्था दे नाल जुड़न दा मौका मिलिया। कल 17 सितंबर उत्थे मराठा दिवस मनांदे आ साढ़े लातूर विच। इस करोना के कारण इस बार असी उत्थे नहीं जा सके, असी बड़ा मिस करते हैं बाबा जी नू, शरद जी नू, कविता मैडम नू, बाकी सारे नू जिहड़े मेन हैगे सारे फाउंडर हैगे आ, असी उन्हां सारे नू बहुत मिस करते हैं। तो साडा मन भी सी उत्थे कि चलो करोना करके असी नहीं जा सके, जे कि करोना ना हुंदा तां असी जरूर उत्थे जाणा सी। एक तां चलो मिलदे सारे बहुत वधिया इंसान हैगे उत्थे, सारे इहदे वास्ते एंटी करप्शन लई बहुत काम वधिया काम कर रहे हैं, असी भी इत्थे बहुत काम कर रहे हैं। इस असी करते भी रहे हैं। असी इस बार एंटी करप्शन वालों अपने वालों इतने असी लोगों को खाना मुहैया कराया, असी वो कराया, सारिया संस्थावां ने मिलकर कराया, साड़ी संस्था ने भी नाल काम किया, बहुत खासा जी भी अपना बहुत काम कर रहे हैं। कुछ करोना करके कुछ त्रुटियां रह जांदियां जिहड़ियां असी हुण पूरियां करांगे, जो साडे फर्ज आ असी अपने पूरे करांगे। तो इन्ना ही कहिंदा होया बंदे मातरम। चंद अरोड़ा, अज 18 तरीक मनमोहन सिंह गुलाटी की प्रधानगी हेठ अज साढ़े ऑल इंडिया एंटी करप्शन की एक मीटिंग मीटिंग हुई, जिदे 17 तरीक नूं जिहड़ा सी साढ़े इस संस्था का स्थापना दिवस होया। उहदे विच आपां ने बाबा जी को और सभी जिहड़े साढ़े पदरकारी आ उन्हां नूं इस चीज़ की मुबारकबाद दिंदे आ, और जो भी पंजाब दे विच 4 साल तो पंजाब अगे तरक्की ते जा रहा, साडा ऑल इंडिया एंटी करप्शन जिन्हां दी आपां खालसा जी की रहनुमाई जो काम किया और गुलाटी साहब की रहनुमाई जो असी काम किया और पंजाब दे विच उहदे बहुत सलांघा जो और सानूं इहदे रिस्पोंस मिल रहे आ। असी इस तरह बाबा जी का और सारे जिहड़े साडे ऑल इंडिया के पद अधिकारी आ उन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ, और जिन्हां ने सानू गुलाटी वर्गे और खालसा जी वर्गे सानू एक बहुत वर्कर एक दिते आ, ये साडे पंजाब की खुद किस्मती आ, और साडा पंजाब जिहड़ा हैगा होर भी दिन रात उतनी तरक्की करे, और इन्हां नू यही मैं मनोकामना करदा और इन्हां दी स्वास्थ इदां ही परमात्मा बख्शी रखे ताकि पंजाब दे बहुत अच्छे ढंग दे नाल इह सेवा कर सकन। जय हिंद जय भारत जी। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति की आज मनमोहन सिंह गुलाटी जी के अध्यक्षता में की गई। 17 सितंबर हर साल हम मराठा दिवस के तौर पर लातूर में जाके मनाते थे, पर इस बार कोरोना की महामारी के कारण नहीं जा सके। आज के दिन हमारा संस्था की तरफ से सम्मान भी होता था 18 सितंबर, आज भी मिस कर रहे हैं, परंतु फिर भी बाबा जी ने प्रदीप पाटिल खंडापुर के जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय है, उन्होंने हमें सम्मान पत्र भेजकर बहुत अच्छा कार्य किया। उन्होंने वहाँ पर मीटिंग भी की। हमारी संस्था
भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। पूरे भारतवर्ष में पंजाब एक नंबर पे आया है, वो मेरे सभी साथियों के कारण मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके कारण पंजाब एक नंबर पे आया था और आगे भी काम करते हैं, काम कर भी रहे हैं, परंतु थोड़ा सा कोरोना के कारण काम थोड़ा सा जैसे भ्रष्टाचार का काम तो अभी निकल नहीं रहा है, बाहर कोई आ नहीं रहा है, तो जैसे जैसे भ्रष्टाचार की बातें पता लग रही हैं तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, नशे के ऊपर काम कर रहे हैं, स्मगलिंग बहुत हो रही है, रेत माफिया, खैर माफिया, ऐसी चीज़ें बहुत यहाँ पे पंजाब में प्रफुल्लित हैं जो ज़्यादा हो रही हैं, उनके ऊपर नकेल पिछले दिनों भी कसी गई है, पूरा काम किया जा रहा है। बाबा जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इस स्टेज के ऊपर, एक मंच के ऊपर पूरा भारतवर्ष ला के खड़ा किया है। मेरे साथ बहादुर चंद अरोड़ा जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह गुलाटी जी बैठे हैं। आज हमने स्पेशल इसीलिए मीटिंग रखी, इनके पिछले दिनों भाई की डेथ हो गई थी कोरोना के कारण, उसके बाद इनकी सिस्टर की थोड़े दिन बाद डेथ हो गई, तो इनको आज एक मिलने का भी अवसर मिला और इनको कुछ इस दुख की घड़ी में बाहर निकालने का भी हमें प्रयास करना ज़रूरी था, इसलिए आज इनके पास आके हमने मीटिंग की, स्पेशल की। तो मेरी शरद सिंह ठाकुर जी से भी बात हुई थी कि हम मीटिंग करने लगे हैं, सिर्फ बैनर नहीं लगाया आज, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। बैनर का ध्यान रखा जाता है पर इस बार इसलिए नहीं लगाया कि हम इनको थोड़ा सा उस चीज़ में से निकाल कर बाहर लेके आएँ और काम आगे बढ़ाएँ। पूरे कोरोना काल में राशन सबसे ज़्यादा गुलाटी जी ने बाँटा, उसके बाद मेरे द्वारा बलाचौर में बांटा गया, सभी ने, अरोड़ा जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी दुकान पर ही इतना काम किया, राशन बांटते रहे समय समय पर ज़रूरतमंदों को। तो ऐसे सोशल वर्क भी चलते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर भी काम चल रहा है हमारा, तो उसके लिए सब प्रेरणा बाबा श्री की है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। कविता मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी जगह, हर राज्य, राजस्थान है चाहे कोई भी है, उत्तराखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं और परिवार के तरीके से हम चल रहे हैं। कहीं काम ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, उसका मैटर नहीं है। इस वक्त कोरोना काल में अगर काम हो रहा है, कल की मीटिंग बहुत सफल रही, बहुत खुशी हुई, हर एक आदमी से मिले, बातें हुई, दूर बैठ के ही बात हो सकती है, पर इस बार जरूर मिस जरूर कर रहे हैं, लातूर को मिस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल लगातार मैं जाता रहा, चौथा साल था, तो इस बार ज़रूर मिस हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।